Hey guys and welcome back to my channel. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now without any further delay, let's start the explanation. एपिसोड 2 की शुरुआत में हम ली यू एंड उसके डैड को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उनके डोर में कोई नॉक करता है और ये कोई और नहीं बल्कि ली यू के न्यू क्लास टीचर थे। टीचर ली यू के डैड से कहते हैं कि स्कूल ओपन होने से पहले मैं अपने क्लास के सभी बच्चों के बारे में सब कुछ काफी अच्छे से जानना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यांगशी की मॉम यांगशी से कहती है कि जाकर अपने भाई को खाने के लिए बुला कर लाओ। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है यांगशी के भाई से, जो कि अपना गैजेट बनाने में बिजी होता है, जिसे देखकर यांगशी कहती है कि मम्मी आपका बेटा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो सभी जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो यांगशी अपने पेरेंट्स को बताने ही वाली होती है कि इस साल वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, कि तभी वहाँ पे क्लास टीचर आकर डोर को नॉक करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में बैठे हुए देखते हैं। टीचर जब यांगशी के मार्क्स बता रहे होते हैं तो वो सभी अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि यांगशी के मार्क्स काफी ज्यादा गंदे थे। और भाई तो बगल में खड़ा होकर वही कर रहा था जो हम सबके भाई करते हैं, बड़े आराम से मजे ले रहा था। और जब टीचर लियू के मार्क्स बताना स्टार्ट करते हैं तो वो सभी और भी ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि जहाँ लियू अपने क्लास का टॉपर था तो वहीं यांगशी डफर। ये सब सुनकर यांगशी की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी नहीं है, बट हाँ वो रनिंग में काफी अच्छी है, और अगर इस साल वो टॉप 3 में आ जाती है तो फिर उसे स्कूल की तरफ से 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसे सुनकर यांगशी फाइनली अपने मॉम को बता देती है कि इस बार मैं रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अगर इस बार मैंने रनिंग करी तो फिर हो सकता है कि मैं कभी भी रनिंग ना कर पाऊँ। और फिर क्या था, जिसे सुनकर यांगशी की मॉम को गुस्सा आ जाता है एंड वो यांगशी को काफी ज्यादा डांटने लगती हैं। एंड गाइस, ये सीन देखने के बाद तो मुझे पता चल गया कि मॉम चाहे चाइना की हो या फिर इंडिया की, बट जब वो गुस्से में होती है ना तो उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। यांगशी की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसकी सभी कॉमिक बुक्स को फाड़ देती है, जिसे देखकर यांगशी काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड अपनी मॉम पे चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। सेम नाइट जब यांगशी काफी ज्यादा सैड होकर बैठी होती है, तभी वहाँ पे उसका भाई आकर उसे समझाने की कोशिश करता है एंड आफ्टर दैट उसे चीयर अप करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर से लियू भी अपनी विंडो में खड़े होकर यांगशी को ही देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांगशी एंड लियू स्कूल जा रहे होते हैं तो वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों स्कूल के पीछे वाले गेट से जाने का डिसाइड करते हैं, जहां एक गैंग मिलकर स्कूल के सभी बच्चों को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। वो दोनों सभी से बचकर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक आदमी आकर उनसे हाबियाओ के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लियू कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता बिकॉज वो हमारी क्लास में कल ही आया है। वहीं दूर से हाबियाओ भी उन सभी की बातों को सुन रहा होता है एंड देन सामने वाले पर्सन को क्या स्टाइल से एप्पल खिलाता है। हाबियाओ अपने स्टील रॉड्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि आज मैं तुम सभी से फाइट नहीं करना चाहता, वरना पढ़ाई के लिए मेरा मूड खराब हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यांगशी को अपने बैग में उठाकर वहां से ले जाता है, जिसे देखकर लियू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लास में देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे सीतू नंगे पांव क्लास के अंदर आता है, जिसे देखकर यांगशी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा सूस कहां गया, जिस पर सीतू कहता है कि स्कूल के बाहर उन गुंडों ने मुझसे छीन लिया, अब तो लगता है कल से मुझे स्कूल स्लीपर्स में ही आना पड़ेगा। जिसे सुनकर हाबियाओ अपनी स्टील रॉड्स निकालकर वहां से जाने लगता है। तभी टीचर आकर उससे पूछते हैं कि ओए बेटा, क्लास स्टार्ट होने वाली है, कहां चले तुम, जिस पर बियाओ कहता है कि सर वॉशरूम, बस 10 मिनट से आया।
देन नेक्स्ट सीन में हम बियाव को उन्हीं गुंडों के पास देखते हैं जहां वो उन सभी को अच्छा खासा सबक सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर खुद को बच्चों से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं जहां बच्चे उनका इंट्रोडक्शन सुनकर उनपे काफी ज्यादा हंस रहे थे। टीचर को जब पता चलता है कि इस क्लास का मॉनिटर और कोई नहीं बल्कि यांगशी है तो वो सबसे पहले क्लास मॉनिटर को चेंज करने के लिए बोलते हैं। जिसे सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं तो वहीं हुआंग काफी ज्यादा हैप्पी होती है। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई, क्योंकि हुआंग एंड यांगशी का आपस में 36 का आंकड़ा है। तभी थोड़ी देर बाद भी आओ क्लास के अंदर आकर सीतू को उसका शूज वापस करता है, जिसे देखकर टीचर हाबियाओ को ही क्लास का अगला मॉनिटर बना देते हैं। जिसे सुनकर क्लास के बाकी के बच्चे वॉज लाइक व्हाट। यांगशी कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ तो फिर आप क्लास मॉनिटर लियू को बनाइए क्योंकि वो हमारी क्लास का टॉपर है। जिसे सुनकर टीचर हुआ बियाओ की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बियाओ इस क्लास का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। जिसे सुनकर यांगशी कहती है कि आप तो इसे जानते भी नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्टडीज में सबसे ज्यादा अच्छा है। जिसे सुनकर टीचर बोर्ड पे एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखते हैं एंड सभी बच्चों से कहते हैं कि जो भी इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेगा वही इस क्लास का अगला मॉनिटर होगा। वह बियाओ लियू से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो तुम ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद लियू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चला जाता है। वहीं वह बियाओ टेबल पे ही बैठकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी लियू उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता क्योंकि वो क्वेश्चन सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जिसके बाद हुआ बियाओ उस क्वेश्चन का आंसर बताता है जो कि बिल्कुल सही था। और इस तरह हुआ बियाओ क्लास का न्यू मॉनिटर बन जाता है। वो सभी जब टीचर को थैंक यू बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हुआ बियाओ यांगशी को खड़े होने से मना करता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। बट आज तो हमारी यांगशी हुआ बियाओ के ऊपर इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि उसके मना करने के बाद भी खड़ी हो जाती है। हुआ बियाओ यांगशी से पूछता है कि वैसे तुम्हारी साइकिल कैसी थी, ऐसी या फिर ऐसी। जिसे देखकर यांगशी उस पे गुस्सा करती है तो वहीं हुआ बियाओ उसे ऐसा देखकर स्माइल करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम यांगशी को उसकी फ्रेंड के साथ बाहर देखते हैं जहां वो हुआ बियाओ को सबक सिखाने के लिए प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब हुआ बियाओ लियू को साथ में खेलने के लिए बोलता है तो लियू उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। यांगशी उन्हीं गुंडों के पास जाकर उन्हें एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि आज शाम को 5 बजे आकर मुझसे मिलना तो फिर मैं तुम सबको स्टील पाइप की असली ताकत दिखाऊंगा। जिसे सुनकर उन गुंडों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो यांगशी से कहते हैं कि हुआ बियाओ को जाकर बता देना कि हमसे मिले बिना जाएगा नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम यांगशी को क्लास में देखते हैं जहां वो हुआ बियाओ को काफी ध्यान से देख रही थी। एंड आफ्टर दैट एक लड़की को इशारे करते हुए अंदर बुलाती है, जिसके बाद वो लड़की हुआ बियाओ के पास जाकर उससे कहती है कि उन गुंडों ने आज शाम 5 बजे तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम उनसे मिलने नहीं गए तो इसका मतलब कि तुम कायर हो। जिसे सुनकर हुआ बियाओ यांगशी से कहता है कि अगर टीचर मेरे बारे में पूछे ना तो उन्हें बता देना कि मेरा पेट खराब था, दैट्स व्हाई मैं घर चला गया। एंड आफ्टर दैट अपनी स्टील रॉड्स को लेकर वहां से चला जाता है। क्लास के बाकी बच्चे भी जब हुआ बियाओ के पीछे जा रहे होते हैं तभी प्रिंसिपल आकर उन्हें बाहर जाने से मना कर देते हैं। वेल, सीतू तो फाइट देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो जल्दबाजी में प्रिंसिपल को बता देता है कि हुआ बियाओ उन गुंडों से फाइट करने के लिए गया है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल वॉज लाइक व्हाट, हुआ बियाओ फाइट करने के लिए गया है। जिस पर सीतू कहता है कि आप मेरी तरफ मत देखिए, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। लियू यांगशी से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, अगर उन्हें सच में कुछ हो गया तो। वो सभी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी स्कूल प्रिंसिपल आकर क्लास टीचर को बताते हैं कि जिस प्लेस पर हुआ बियाओ फाइट करने गया था उस प्लेस पर काफी सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और हर जगह पे बस खून ही खून है। जिसे सुनकर क्लास के सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड उस प्लेस के लिए निकल जाते हैं। स्कूल प्रिंसिपल खुद से कह रहे होते हैं कि
अगर उन गुंडों ने मेरे स्कूल के स्टूडेंट को टच भी किया होगा ना, तो मैं उन्हें देख लूंगा। उस प्लेस में पहुंचने के बाद वो सभी उस प्लेस का नजारा देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सच में उस प्लेस पर हर जगह खून ही खून एंड कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। तभी सीतू आकर उन सभी को बताता है कि वो सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां यांगशी वाबियाओ को फाइंड करते करते काफी जोर जोर से रोने लगती है। तभी पीछे से वाबियाओ आकर यांगशी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए रो रही हो। एंड आफ्टर दैट वो यांगशी को चुप कराने की कोशिश करता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वाबियाओ को अपने सामने देखने के बाद तो उन गुंडों की वैसे ही वाट लगी हुई थी। बट इससे पहले कि वो सभी आपस में फाइट कर पाते, तभी एक कांच की बॉल आकर उन गुंडों पर गिरने वाली थी, जिसे देखकर वाबियाओ जाकर उन सभी को बचा लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है एंड खून भी बहने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांगशी क्लास टीचर के पास जाकर उन्हें अपनी तरफ से वाबियाओ से माफी मांगने के लिए बोलती है, बट टीचर ऐसा करने से मना कर देते हैं एंड यांगशी से कहते हैं कि अब तुम्हें उससे माफी मांगने में शर्म क्यों आ रही है। टीचर यांगशी को बताते हैं कि वो आखिरी घर वाबियाओ का था, जिस घर में मैं गया था, जहां जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। वाबियाओ की फैमिली में वो एंड सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी हैं, क्योंकि जब वो 3 महीनों का था तब उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। ग्रैंड माँ टीचर को बताती है कि मेरा पोता काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, एंड वो स्टील पाइप जिन्हें लेकर वो हमेशा घूमता रहता है, उसे उसने अपनी दादी की हेल्प करने के लिए रखा है। देन नेक्स्ट सीन में हम यांगशी को घर में देखते हैं, जहां वो लियू से उसकी साइकिल लेकर वाबियाओ के घर उससे मिलने जाती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद यांगशी वाबियाओ को काफी सारे गिफ्ट देते हुए उसे पिछली बार के लिए माफी मांगती है। यांगशी जब वहां से जा रही होती है तो वाबियाओ उसे रोकते हुए घर के अंदर चलने के लिए कहता है, जिस पर यांगशी थोड़ा सोचने के बाद एट लास्ट घर के अंदर चली जाती है। उन दोनों के अंदर जाते ही थोड़ी देर बाद वहां पे लियू भी आ जाता है, एंड जब उसे पता चलता है कि यांगशी उसे बिना बताए वाबियाओ से मिलने आई है, तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।